देखें, अल्फाज के चुनाव का दुरुस्त होना इसमें कोई शक नहीं है। वो या कना बुदो या कनस्तिन कहते हैं, अपने अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अल्लाह की सही मतलब वो मांग रहे हैं, उम्मीद है उन्हें इस बात पे कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पूरी दुनिया का एक रोल मॉडल रहा है, एक हीरो रहा है, लेकिन टीम उसे एक नाहल मिली, टीम उसे करप्टेड मिली, टीम उसे मिली। लेकिन आपको लगता है एक आदमी के ठीक होने से कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, एक आदमी लीडर तो बहुत जरूरी है ना। आपने हजरत अली से सुना ना कि बात यह है कि आप जो जब हजरत अली से पूछा गया कि आपके टाइम पे कोई फतवात नहीं हुआ, उमर के टाइम पे इतने फतवात हुए, तो उन्होंने फरमाया कि जब हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे तो हम जैसे लोग सिपे सालार थे, और हम जैसे लोग जब अमीरुल मोमिनीन है तुम जैसे लोग सिपे सालार हो, तो यकीनन उसे सिपे सालार की जरूरत है, लोगों की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी चौहान साहब का जो बयान है, पाकिस्तान पे क्या तजर्बे होते रहेंगे आप ये समझते हैं? अगर आप समझते हैं ऑप्शन क्या है, कप्तान साहब जी बहुत अच्छे हैं, सादिक अमीन है, ठीक है जी, सौ बिस्मिल्लाह, लेकिन मुझे ये बताएंगे तजर्बे होते रहेंगे? तजर्बे नहीं है इसमें, यकीनन हमारे पास फ्रंट लाइन यकीनन सियासी लोग हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हमारा जो एक कैडेट होता है, जो जनरल जाता है, तो वो तो कम से कम सीएसएस करता है, पीसीएस करता है, लॉन्ग कोर्सेज में जाता है। बदकिस्मती से हमारा जो मिनिस्टर सियासी बनता है, मिनिस्टर एजुकेशन या डिफेंस मिनिस्टर, उसे किसी भी एजुकेशन की जरूरत इस मुल्क में नहीं। अच्छा, इसको खासतौर पर बताएं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें हम एक्शन लेंगे, ये क्या है? एक्चुअली मुकद्दस गाय से मुराद तो ये है ना कि अगर सपोज दैट कि किसी को माफी नहीं है इस मुल्क के अंदर, जब इंसाफ होगा तो यकीनन उसको करना भी चाहिए, और अगर इमरान खान भी इस बात को पूरा नहीं करेगा तो वो भी अल्लाह की पकड़ में आएगा। जैसे लोग वजीर आजम बन के जलील हुए, जैसे लोग इक्तदार तो सबको मिला है। आप कहती हैं डॉक्टर साहबा कि इसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम बार बार रिपीट करें इस पाकिस्तान में, तो हमने तो पार्टियों को 35-35 साल तक नस्लों को रिपीट किया है, आवाम ने इनको बर्दाश्त किया है, आज दो ढाई साल। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, बता दें ऑप्शन क्या हो सकता है फिर? आवाम किसको वोट दे, क्या करेगी मतलब इस वक्त? 2023 में इंशाल्लाह ताला उम्मीद लगाते हैं कि नौजवानों को खड़ा करना चाहिए, जो यूथ है वो आए सामने। 67% कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे।